हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स इंट्रेंस पेपर तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। सपोज ये क्वेश्चन है, इफ जी एंड एच आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, वेयर जी इज कनेक्टेड एंड जी यूनियन एच इज नॉट कनेक्टेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल सच जी एंड एच। ऑप्शन है आपके, इफ जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 5 then H is connected, if G intersection H equal to 5 then H is not connected, if G intersection H not equal to 5 then H is not connected, if G intersection H not equal to 5 then H is not connected। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के बजाय एग्जाम्पल के हम से समझना ही नहीं समझते हैं, तो हम इसको एग्जाम्पल के हम से समझते हैं। तो सिंपली लेट जी बराबर 01 जो कि कनेक्टेड सेट है, कनेक्टेड सेट है, और अब हमने ले लिया जी और साथ में क्या लिया, जी यूनियन एच इज नॉट कनेक्टेड सेट। तो जी यूनियन एच यानी कि हमें कोई एक एच ऐसा लेना होगा जिसके लिए जी यूनियन पहले तो एच ले लेते हैं जो कि नॉट कनेक्टेड है, ऐसे ले लेते हैं एच जो कि नॉट कनेक्टेड है। लेट एच बराबर ले लेते हैं हम 1/2 1 यूनियन 3/2 2। तो फ्रेंड्स, अब ये सेट जो है दो डिसजॉइंट सेट के रूप में लिखा हुआ है और ये कनेक्टेड नहीं है क्योंकि 1 और 3/2 के बीच में काफी गैप है, तो यहां से एच जो है ये नॉट कनेक्टेड। अब H नॉट कनेक्टेड है तो यहां से हम कह सकते हैं, अब यहां से G यूनियन H देखें हम, तो G यूनियन H बराबर क्या रहेगा, G यूनियन H बराबर यहां से लिख सकते हैं हम 0 to 1 एंड यूनियन 3/2 to 2 which is not connected, which is not connected, क्योंकि ये भी हमारे पास देखें तो G यूनियन H जो है नॉट कनेक्टेड है, यानी हमारे पास G जो है 01 कनेक्टेड सेट लिया हमने, G यूनियन H नॉट कनेक्टेड सेट लिया, तो इस कंडीशन में जो H आया हमारे पास वो नॉट कनेक्टेड सेट आया। तो यहां से हम कह सकते हैं इफ G इंटरसेक्शन H नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि अगर G इंटरसेक्शन H भी देखें हमें G इंटरसेक्शन H यहां से इन दोनों में से, तो यहां से हमारे पास इसका इंटरसेक्शन में आ रहा है 1/2 to 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये जो है हमारे पास G इंटरसेक्शन H तो ये नॉट इक्वल टू 5, तो यहां से G इंटरसेक्शन H नॉट इक्वल टू 5 देन एच इज नॉट कनेक्टेड, ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है ट्रू है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।